जुनेद अकबर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाह साहब, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस मकबूजा असेंबली में आपको इलेक्शन की जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूं। आप मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश थी कि काश आप इन लोगों से जो 45 में हार चुके हैं और 45 के जरिए इस असेंबली में डाके से, बीमानी से, दो नंबरी के जरिए इस असेंबली इस हाल में आ चुके हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी इस मुल्क पे, फिर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश बनाई गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान की का कसूर क्या था? इमरान खान मदीना की रियासत की बात करता था, इमरान खान आजाद खारिजा पॉलिसी की बात करता था, इमरान खान रूल्स ऑफ लॉ की बात करता था, फिर इमरान खान के खिलाफ एक साजिश की गई। उस टाइम के जनरल साहब बकौल मौलाना साहब, उसने उन तमाम अपोजिशन लीडरान को, जिसमें बट्टू के पैरोकार भी थे, जिसमें वो लोग भी थे जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, जिसमें वो लोग भी थे जो इदारों से नाराज थे, जिसमें वो लोग भी थी जो मजहब की बात करते थे, एक झंडे तले जमा हो गए। सिन हाउस में एक मंडी लग गई, वो सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवायफ, उन लोगों की कीमत लगा दी गई, उनकी जमीर खरीद दी गई और हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, हुकूमत को गिराया गया। हुकूमत को गिराया गया, इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकी। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 मुकदमात कायम किए गए, कुछ लोगों को लालची दी गई, कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों की वीडियो दिखाई गई, कुछ लोगों की फाइलें दिखा दी गई और इन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था, 2 कचरदान बना दी गए। एक पंजाब में इसको इस्तेहकाम का नाम दिया गया, एक कचरदान केपी में बना दी गई, उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया। लोग टीवी पे आके कहते थे कि मैं 9 मई की मुजम्मत करता हूं और पार्टी छोड़ जाता हूं, तो इसकी सारी गुनाह माफ दे दे। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है, आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करते वाले? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ हम पे एफआईआर काटी गई। मैं हैरान हूं, 9 मई का वाकया होता है, 10-11 मई को हमारे लोग जो है पकड़े जाते हैं और उससे जेलों में जो लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिलने जो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान का निशान नहीं होगा। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया, कभी किसी को जूते दी गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो पीटीएम के जो क्यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिलती जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ में भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% आवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं, खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे, खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कहीं कोई और साइड पे ये चले जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए।
मुझ पे बगावत की एफआईआर काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की एफआईआर काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी डीआई खान गया ही नहीं था, मुझे डीआई खान पे मुझ पर एफआईआर काटी गई, मुझे यहां पर स्वाद की एफआईआर काटी गई, मुझे यहां पर दिल पे एफआईआर काटी गई, मुझे चतराल में एफआईआर काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर ना दो, जुनैद को चादर ना दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ ना दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह ये था कि मैं इमरान खान के साथ कड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है, आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, ये किसी की जागीर है? हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं कहा कि जाके कानून साजी करे, हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलत फहमी में ना है, हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, ना कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा 45 में हारे हुए लोग आए हुए? आप लोगों ने आईन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपने आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी वान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मुजम्मत करो, मैं 9 मई की मुजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपके वाली मुजम्मत नहीं करता, मैं उस दिन की मुजम्मत करता हूं जब मैंने कैद की बेइज्जती की गई, उसे हाईकोर्ट से लेके गए बेइज्जती की सजा, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा, जो हाईकोर्ट में हुआ है, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी एफआईआर ही नहीं काटी जा रही। मुझे मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने पेन किया। अजीब इदारे हैं, मैं अपना पेट काट कर जो है अपनी इदारों पे लगाता हूं, इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है।